हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। लास्ट सेशन जो हमने लिया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पहले बेसिक लिए थे, उसके बाद में उसके हमने क्वेश्चंस किए, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो किए और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए भी दिए। आज हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये वही सब मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ये एयरफोर्स के एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में, डिफेंस के जितने भी एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम भी ले लो चाहे, सब में कॉमन टॉपिक्स जो है ना, मैथ का जो भी कॉमन आ रहा है सब में, उसको मैं लेके चल रहा हूँ। उसके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो प्रीवियस वीडियोस का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, वहां से जाके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैंने करवा दी हैं, वहां से जाके आप वो देख सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस का मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, शॉर्ट डेफिनेशन। इस सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि विच फॉलो सर्टेन रूल और पैटर्न, जो कि एक कोई सर्टेन रूल फॉलो कर रहा हो या फिर मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो कर रहा हो, उसी को हम सीक्वेंस कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये भैया एक सीक्वेंस हो गई। क्यों? एक स्पेशल, एक सर्टेन रूल, इसमें मैथमेटिकल पैटर्न आ रहा है। एक से ज्यादा एक, एक में जोड़ दिया एक, दो में जो एक जोड़ दिया तीन, तीन में, यानी प्लस वन ऐड करते जा रहा है, सेम एक रूल फॉलो हो रहा है सब में, इसको सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 100, 70, 40, 10, ऐसे इन्फिनिटी चल रही है, ये भी एक सर्टेन रूल ही तो फॉलो कर रहा है, एक स्पेशल सीक्वेंस हो गया ना ये। 100 में से माइनस करते जा रहा है 30, 30, 30, तो एक स्पेशल रूल या फिर सर्टेन रूल मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इनको हम कहेंगे सीक्वेंस। यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच फॉलो सर्टेन रूल, जो कि कोई रूल फॉलो करते हो या फिर क्या करते हो, पैटर्न आता हो उनमें, तो उसी को सीक्वेंस कहेंगे। अब बात कर लेते हैं सीरीज की, कि सीरीज क्या होती है। ये जो नंबर्स होते हैं, सीक्वेंस जो नंबर होते हैं, जो फॉलो नंबर होते हैं, इनको हम क्या कर देते हैं, ऐड के, ऐड करके लिख देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं सीरीज। जो ये सीक्वेंस है ना, समेशन ऑफ, मींस ऐसे बोल सकते हैं, समेशन ऑफ सीक्वेंसेस इज कॉल्ड सीरीज। जैसे हम ऐसे लिखते हैं 1+2+3+4+, ये एक सीरीज हो गई, ठीक है। तो समेशन ऑफ सीक्वेंसेस इज कॉल्ड सीरीज, ठीक है। तो सीक्वेंस के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया, सीरीज के बारे में अच्छा पता चल गया। अभी इसमें तीन चीजें आती हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो इसके अंदर देखिए हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखिए हमें तीन चीजें पढ़नी होती हैं। पहला पढ़ना होता है एपी, मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। दूसरा पढ़ना होता है जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरी आती है एचपी, ठीक है, जो कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए सिर्फ दो इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है जीपी, ठीक है। जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं ना, जितने भी डिफेंस के कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जीपी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एपी के फिर भी कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जितने भी डिफेंस का एग्जाम ले लो चाहे, तो उसमें क्या होता है कि जीपी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जितने भी बेसिक्स है उसका, पूरा डेफिनेशन है उसकी, उसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं, सारे आज हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट फिर हम लेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बाद में इसके जो भी क्वेश्चन आए हैं, इसके प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी मैं उठा के लेके आऊंगा, सभी आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। तो देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेंड, ईच टर्म इज ऑब्टेंड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, ठीक है। ये जो है ना, इसमें नोट कर लीजिए बस आप, ये लाइन को अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि यही काम आने वाली, क्या, एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू बी प्रोसीडिंग टर्म, ठीक है। नेक्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म में, सेकंड में कुछ न, फर्स्ट में कुछ ना कुछ जोड़ के सेकंड आएगा, उसमें जोड़ के थर्ड आएगा, मतलब एक फिक्स्ड नंबर हमें ऐड करना है, ठीक है। एक फिक्स्ड नंबर हमें ऐड करना है टर्म, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के अलावा, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो जो रहेगा वो रहेगा। तो इसी को बोलते हैं हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अभी देखिए ये जो फिक्स्ड नंबर होता है ना, इसमें जो हम ऐड करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, जो फिक्स्ड नंबर होता है, फिक्स्ड नंबर होता है उसी को बोलते हैं डी, मींस कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, कॉमन डिफरेंस हम उसी को बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए जैसे मैंने एक सीक्वेंस दिखाई थी आपको 1, 2, 3, 4 ये इन्फिनिटी तक, तो इसमें एक एक जोड़कर ही तो हमने फिक्स नंबर ही तो जोड़ा है सब में, सब में एक एक जोड़ा है, इसमें प्लस वन जोड़ा है, इसमें प्लस वन, यहाँ भी प्लस वन हो रहा है, तो फिक्स नंबर ये क्या हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस हो गया है। ऐसे ही अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि आपने तो एडिंग बता दिया सर, फिक्स नंबर को हम ऐड करेंगे, लेकिन सेकेंड सीरीज में तो माइनस हो रहा था, ये वाली सीरीज 100, 70, 40, 10 ये हो रहा था, तो मैंने वही तो बोला
फिक्स्ड नंबर ऐड होगा, तो इसमें फिक्स्ड नंबर कितना ऐड हो रहा है, माइनस तीन ऐड ही हो रहा है ये, ठीक है, हम तो ऐड कर रहे हैं, माइनस तीस को ऐड करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, माइनस तीस को हम ऐड करते जा रहे हैं, सब में फिक्स्ड एक नंबर है, ऐसे तो नहीं है यहाँ तीस ऐड किया, माइनस का तीस ऐड किया, यहाँ माइनस का 25 किया है, यहाँ पर एक ऐड किया, यहाँ पर तीन ऐड किया है, फिक्स्ड नंबर चलेगा, वही उसका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि उसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, सभी लोगों को पता भी होगा स्मॉल डी से कॉमन डिफरेंस आ गया। अभी देखिए जो कॉमन डिफरेंस हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। कैसे, एक सीक्वेंस हमें दे दी, जीरो कैसे होगा, एक सीक्वेंस हमें ये दे दी, ये हमें सीक्वेंस दे दी, अभी देखिए सब में देखिए जीरो प्लस जीरो, कोई डिफरेंस नहीं है प्लस जीरो, तो यहां पर हमें क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस जीरो भी मिला है। तो ध्यान रखिए जो कॉमन डिफरेंस है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकते हैं। तो ये था मोटा मोटा इसके बारे में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके nth टर्म के फॉर्मूले की, nth टर्म क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सम ऑफ n टर्म कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक मीन में, तो ये दोनों चीजें भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला, सारे क्वेश्चन उन्हीं फॉर्मूला के ऊपर पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा हो, अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे और शेयर कर देना, ताकि सभी अच्छा कॉन्सेप्ट को सीख सकें। तो देखिए इसके nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, tn से भी डिनोट करते हैं, an से भी डिनोट कर सकते हो, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1d, d कॉमन डिफरेंस हो गया n, यानी कि कौन सा टर्म हमें निकालना है, फिर n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर जो d है ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, n हो गया नंबर n, ठीक है, n हो गया टर्म्स, ठीक है, टर्म्स, a हो गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। अभी मान लीजिए कोई हमें सीक्वेंस एपी दे रखी है, a1 a2 और an तक, ठीक है, ये दे रखी है, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a1 = क्या हो गया, a हो गया, सेकंड टर्म हमें निकालना है, तो इस फॉर्मूले से सेकंड टर्म क्या होगा, देखिए सेकंड टर्म हमें निकालना है, तो a फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 होता है, तो n कितना है, 2, n 2 ही तो है, सेकंड टर्म निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 * d, तो क्या आ जाएगा, a1, यानी कि a प्लस a1 क्या है, a प्लस d आ जाएगा सेकंड टर्म। ऐसे ही हम a3 निकाल सकते हैं, तो a कम कर दीजिए, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो आएगा इस प्रकार से, आ जाएंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे हम निकालते जाएंगे सीक्वेंस सीरीज के। अभी देखिए नंबर nth टर्म निकालने का हमें फॉर्मूला पता चल गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक एपी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए एपी पे, इसी फॉर्मूले से सब क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, तो नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक और आती है, क्या आती है कि देखिए कभी कभी बोल देता है ना कि फर्स्ट 3 टर्म्स ले लीजिए, कोई भी 3 टर्म्स ले लीजिए एपी के, ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है, तो टर्म्स हमें किस हिसाब से लेने हैं, ताकि हमारी क्या कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए, सिंप्लीफिकेशन हम आसानी से कर पाए। तो देखिए जब नंबर ऑफ 3 टर्म्स बोल देना कि 3 टर्म्स लेने हैं, सम की 3 टर्म्स लेने, तो हम इस प्रकार से लेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। अभी हम ये क्यों लिया, हम तो ये भी ले सकते हैं ना, a a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है, हम ये भी ले सकते हैं ना फर्स्ट 3 टर्म्स जो है, लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, हमने ये क्यों लिया है, क्योंकि मान लो बात की जा रही हो सम की, कहीं सम की बात की जा रही हो, 3 टर्म्स का सम बोला जा रहा हो, तो सम जब करेंगे ना, तो d से d कट जाएगा, ये सीधा सीधा 3a के बराबर हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसमें भी d है, इसका भी d ही है कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये वाला लेना होगा, ताकि आसानी से सिंप्लीफाई हो सके वो, सही ये भी है, सही ये भी है, लेकिन इसको क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए जब 3 टर्म्स की बात की जाए, तो हम ये लेंगे ना कि ये, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड देख लीजिए 4 टर्म्स की बात आ जाए, तो सेम वही a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 3d, a माइनस 3d, इसका जो कॉमन डिफरेंस है 2d है, करके देख लीजिए आप, 2d आएगा, सेम आएगा कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स में, देख लीजिए आप, इसका भी हमने इसी ले लिया, हम ऐसे भी तो ले सकते थे 4 टर्म्स a प्लस 3d, लेकिन फिर ये कटते नहीं, सिंप्लीफाई करने में बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पर डी से सारे कट जाएंगे, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 बच जाएगा हमारे पास। ऐसे ही जब 5 टर्म्स की बात की जा रही हो, ठीक है, तो क्या लेंगे, a लेंगे, a प्लस d, a लेंगे, a प्लस d, a प्लस 2d, फिर a माइनस d, a माइनस 2d, कॉमन डिफरेंस इसका क्या आएगा, d आएगा। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एपी के लिए, सीधे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में, डिफेंस के एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चन कर लिया जाता है इसके बेस पर। तो ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए दिमाग में और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले पे। तो देखिए अब बात कर लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं,
दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तो सिंपल, जब हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दिया गया हो, पूछ लिया हो, तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, डी पता ही है कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर कौन सा टर्म निकालना है, कितने टर्म कितने नंबर्स का सम निकालना है, वो एन हो गया, ए फर्स्ट टर्म है ही। और एक और फॉर्मूला होता है, ये भी बहुत जगह काम आता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, क्या किसी भी एपी का हमें फर्स्ट टर्म दे देगा और लास्ट टर्म दे देगा। ठीक है, लास्ट टर्म एल यहाँ पर क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म दे देगा और क्या पूछ लेगा, सम पूछ लेगा या फिर नंबर ऑफ टर्म पूछ लेगा, तो कुछ भी पूछ सकता है वो। तो ए हो गया फर्स्ट टर्म, एल हो गया लास्ट टर्म। तो अगर ये किसी भी हमें एपी में क्वेश्चन में दे दिया कि एक सीक्वेंस का या फिर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म हमें दे दिया, लास्ट टर्म हमें दे दिया, नंबर सम निकालना है और एन दे दिया, नंबर ऑफ टर्म्स दे दिए। ठीक है, ये दे देगा एल कौन सा नंबर का टर्म है, तो यहां से क्या होगा एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। तो ये फॉर्मूले हैं। तो आज के सेशन में हमने क्या देखा, आज के सेशन में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में देखा, एंड टर्म कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एंड टर्म्स कैसे निकालते हैं, जो टर्म्स हमें लेने होते हैं, थ्री टर्म्स लेने को बोल दिया, फोर टर्म्स लेने को बोल दिया, फाइव टर्म्स लेने को बोल दिया, पांच नंबर लेने को बोल दिए, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो पूरे बेसिक के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, इससे बाहर सारा इसी बेसिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप लोगों को ये बेसिक ध्यान में है अच्छे से, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कोई भी आने वाला क्वेश्चन को आप कर दोगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे, उसका सारा बेसिक उसका अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये अच्छा कॉन्सेप्ट पहुंच सके। और अगर चैनल को आप नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।